चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से आज तक हमने पार्टियों को वोट दिए, पार्टी वाले जीतने के बाद गांव तक वापस आते नहीं है। इस बार ये युवा है, 26 साल की उम्र है, बहुत अच्छा लड़का है, हमारा पड़ोसी है, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, ये सही है, इस पर हमने इस बार विश्वास किया है कि हमारे लिए पानी की मूलभूत जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की वो करवाएगा। यहाँ हम पिछड़े एरिए में रहते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आज तक हमने बीजेपी कांग्रेस को 50 साल तक वोट दिए, न किसी ने हमारे पानी की व्यवस्था की नहीं। आज तक हॉस्पिटल और पानी की बहुत कमी है हमारे गाँव में। भाटी साहब को हमने बोला है ये व्यवस्था कराना, हम आपको तन मन धन से आपके साथ है। आपके यहाँ तापमान बढ़ा हुआ है इस समय? बढ़ा हुआ है तापमान। हाँ, क्या माहौल है मौसम में? बढ़िया है मौसम में, बरसात बारिश आने वाली है। इंतजार है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते करते अब बाड़मेर पहुंच गई है। बाड़मेर का ये एक गांव है, बाड़मेर जिले का देरासर, देरासर गांव है। इस गांव में आसपास आबादी ज्यादा किसकी है? मोमिनन की। कितने होंगे? 95% मतलब वोटिंग अगर पोल में 3200। तो ये एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है और वो गांव है, और इस गांव में हमने सोचा कि भाई चल के पता किया जाए कि चुनाव का क्या माहौल है, और इससे थोड़ा सा अपनी सैम्पलिंग भी हो जाती है। तो यहां पे हमने गाड़ी लगाई तो इतने सारे भाई बंधु आ गए जो बाड़मेर के हैं। आप काका यहीं से हो? हम देरासर के हैं, यहां के। क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ, हनीफ। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? बैठे हैं घर, कुछ नहीं करते। खेती बाड़ी, किसान लोग। आप भी खेती करते हो? क्या नाम आपका? मोहम्मद रहीम। अच्छा, किस चीज़ की खेती होती है आपके? जी, खेती किस चीज़ की होती है? वार्षिक, वार्षिक बाजरा गेहूं वगैरह। अच्छा, जी, ज़्यादा करके बाजरा, बाजरा गवार। आप कहाँ से हो सर? मैं आसमा गांव, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ का रणवीर, अपने रविंद्र सिंह भाटी का फुल सपोर्ट है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मेजर तन सिंह सोडा। आप आर्मी में रहे? मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर। अच्छा जी, तो आपके यहाँ तो आप तो भाटी वाले हो? जी बिल्कुल, भाटी वाले हैं, प्योर भाटी वाले हैं। हमारे जितने भी साथी खड़े हैं, भाई खड़े हैं, जहाँ आप भी देरासर स्टेशन पे खड़े हो, ये सभी भाई 90% रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। नहीं तो मैं भी उस पर भी आऊँगा, क्यों है? देखिए ये भाई साहब चश्मा बहुत बढ़िया लगाए हैं आप जो चाचा। हाँ, आइए थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, आप दो, आपको पसंद है ले लो। बहुत बढ़िया, एकदम धूल रोकेगा ना। दादा बिल्कुल सही है, ये आँख का ऑपरेशन हुआ इसलिए लगा। अच्छा, ऑपरेशन, बाकी शौक का नहीं, ऑपरेशन का। अरे शौक भी होना चाहिए। जी, शौक कभी क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल्ला। अच्छा जी, तो हाजी साहब क्या माहौल है? ठीक है, अच्छा माहौल है। अच्छा, किसका जोर चल रहा है? जोर तो अब सब आ रहे हैं अभी वक्त पर, किसका जोर है किसका अभी क्या माहौल है। ठीक है, देख रहे हैं, भाप रहे हैं जी, देख रहे हैं अभी, भाप रहे, सबके वादों को सुन रहे हैं। ये बाड़मेर में बाहर के दर्शकों को बता दें कि त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रहे। कांग्रेस ने उमेदाराम जी को चुनाव लड़ाया, जो कि बायतू से चुनाव हार गए थे, विधानसभा का RLP में थे, और अब कांग्रेस से आके लड़ रहे हैं। और तीसरे जो यहाँ पे टॉकिंग ऑफ टाउन है, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो निर्दलीय शिव से विधायक बने थे। तो तीनों के दावों में किसमें ज़्यादा दम है? दम तो भाटी साहब कांग्रेस का लग रहा है, कांग्रेस का, भाटी दोनों का इसका टक्कर है, भाटी साहब ज्यादा लग रहा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम बरकत अली है, मैं प्रॉपर देरासर, मेरा ब्लॉग है। आज से यही उम्मीद है, जो 50 साल से हम कांग्रेस और बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, दोनों पार्टियों में रहे हैं, क्योंकि युवा नेता एक देश को ऐसा बंदा चाहिए जो हमेशा हर भाईचारा, मोहब्बत और पैगाम दे। और जो ये इलाका है, जो हमारा बॉर्डर इलाका है, ये पानी की बहुत किल्लत है। जो 500 रुपये की, 1000 रुपये मजूरी लेके आ रहे हैं लोग, वो 500 रुपये की टंकी डलवाएंगे तो खाएंगे क्या? पानी की बहुत किल्लत है, स्टेडियम में बहुत दिक्कत है, स्कूल है नहीं, टाइम पे स्कूल टीचर आते नहीं है। यहाँ मुस्लिम एरिया पे जो पिछड़ा हुआ इलाका पड़ा है, कोई किसी को सुन नहीं रहे। यहाँ पे जो पिछली बार जो मंत्री बने हैं, वो अब सिर्फ अपना घर बनाने के लिए बने हैं, घर बना के बस बाड़मेर जाए और घर जाए। किसी के ये मुल्क और चैन पड़ा है, लोगों गरीब पीढ़ी पड़ी है, इसको कभी मुलाकात भी नहीं करते हैं। कि यो जो हमारा जो रविंद्र भाटी है, घर घर जाके ये सबसे पहले शिक्षा की और पानी की मांग की है कि आपको पानी, अगर मैं जीतूं या नहीं जीतूं, आज शिव का विधायक भी है, फिर भी वो बोला मैं जीतूं नहीं जीतूं, मैं आपको पानी पहुंचाऊंगा
और स्कूलों में बच्चों की व्यवस्था करवाऊंगा। आज भी उसका एक भविष्य है जो आज भी जोधपुर के अंदर उसने युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश दिया है कि इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज, मैं खुद एक स्लम बाजार कंपनी ऑयल फील्ड में इंजीनियर हूँ, फिर भी वो इतना बंदा चाहता है कि रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जहाँ इस प्रोजेक्ट में यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर कोई बंदा नहीं लगा हुआ है, जो बाहर के इलाके से लोग आते काम करने के लिए तो क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भाईचारा मोहब्बत को पैगाम देने के जो मुख्य हमारे जो यहाँ के विधायक है वो सपोर्टर नहीं है, सिर्फ सपोर्ट उस बंदे को करते हैं जो मेरा पहचान वाला हो। और जो आम पब्लिक बेचारी बैठी है, जो शिक्षा में पढ़ी लिखी है, मेडिकल करके बैठी है, इंजीनियर करके बैठी, उनको भटके रास्तों में भटक रही है, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि लोग क्यों भटक रहे हैं। आप जैसे कह रहे हो तो बीजेपी उनके विरोधी हैं, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं लाठा रही है, लाठा नहीं, क्या लाठा रही है, दो हैंडपंप लेकर आए विधायक बनके, देखो सांसद से क्या ले आए, रहने का मकसद है हेल्पपंप, सिर्फ उसने ऐसे मत छोड़ा, ये हेल्पपंप तो दो आए तो इसलिए अच्छा हुआ है, दो हेल्पपंप आए तो लोग जग गए है, दो हेल्पपंप तो लाए, पूरी दिल्ली को बाड़मेर बुला लिया है, इसमें बंदे, इस बंदे में दम तो है, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी यहाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ आए, सब आए, इस बंदे में क्रेज है, दम है, प्यार और मोहब्बत, अमन और शांति वाला बंदा है, इसलिए हम इनके साथ है, अमन शांति वाला है, मोहब्बत वाला है, हमारा दिल कह रहा है हम रविंद्र सिंह भाटी को वोट दे के विजय बना के दिल्ली भेजेंगे और पार्लियामेंट में हमारे गरीबों के मसीहा बन के हमारी आवाज़ उठाएंगे। इसलिए होके भी इस युवा का क्या दो हैंडपम्प के बारे में उन तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं, आज 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए को, उन्होंने कितने हैंडपम्प लगवाए हैं, मैं उनसे सीधा आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि 70 साल के अंदर बीजेपी रही, कांग्रेस रही, अन्य पार्टियां भी हमारे देश के अंदर थी, उन लोगों ने कितने हैंडपम्प लगवाए हैं, उन्होंने शायद इन्होंने दो हैंडपम्प तो लेके आए, चाहे 5 हैंडपम्प लेके आए, उनको सिर्फ 3 महीने ही हुए सर अभी पार्टी के अंदर वोट लेने से, इन्होंने JNU में इनका कौन सा भाई पढ़ रहा था वहाँ, कौन सा इनका रिश्तेदार पढ़ रहा था, जब हमारे देश के अंदर कोरोना काल आया उस टाइम जितने भी 36 ही कुम के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उन बच्चों के भविष्य के लिए, कोई गरीब घर से है, कोई अमीर घर से है, उन बच्चों को मतलब जो इनकी फीस थी उसको माफ़ कराने में लग रहे थे, लोग बता रहे हैं कि भाई वो उस टाइम कहाँ थे, अपने घर के पैसों से गौ माता की सेवा कर रहे थे। काफी सब तो दावे तो है, ये आप बताओ जरा इधर आओ चाचा, क्या नाम आपका? मोहम्मद रफीक है मेरा नाम। तो यहाँ पे उम्मीदवार राम जी का क्या जोर है? बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा, सबसे आगे रहेगा, बहुत उनका युवा है, वो पहली बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें कौन पूरी उम्मीद है उम्मीदवार राम जी। जी हाँ। और ये लोग जो कह रहे हैं रविंद्र भाटी, हाँ भाटी साहब तो वो भी युवा है अपनी, वो भी दम लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बढ़िया काम करेगी हमें विश्वास है, और पहले भी किया है, कह रहे हैं कि हेडपम्प वाली बात, तो हेडपम्प भी खूब है, ऐसे गांव गांव में हर जगह दिए हैं, MLA साहब पहले अमीन साहब थे कांग्रेस के थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये हमें उम्मीदवारों से भी उम्मीद है वो भी अच्छा है, काम करेंगे। तो ज़्यादा मुस्लिम वोट किधर गिरेगा? ज़्यादा का तो नहीं कहते, अभी कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते, वोट अपना खुद का होता है, किसी का अधिकार नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, लोग आज़ाद हैं, अपने हिसाब से देंगे, जो जिसको अच्छा लगेगा उसी का सपोर्ट करेंगे, अभी किसी का भी कुछ नहीं कह सकते। सबका थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसका जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। रमन सिंह का भारी है पलड़ो, ठीक है, मेरा नाम गोविंद सिंह है, गांव मेरा भवनली है, ठीक है, अने हमारे साथ ही मेरी दुकान है सीमेंट की, ठीक है, सब रविंद्र सिंह को वोट देंगे, ठीक है। नए नए चेहरा है, अभी तक काम देखा नहीं किसी ने, अभी पब्लिक दोनों के पीछे भाग रही है, देखो जो अच्छा काम करेंगे उनको अच्छे वोट मिलेंगे। हेडपम्प बात करें तो हेडपम्प 3 महीना हुआ है, पहले नेता आता ही कोने के हेडपम्प के दो दिया, वो थोड़ी बात है, हमारे घर मेरे घर के आके तो आज तक हेडपम्प नहीं लगा है, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे लिए आज तक गुलामी है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम इमाम है। क्या करते हैं इमाम? मैं तो ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, क्या है माहौल आपके यहाँ? माहौल देखो युवा है, युवाओं का अलग मन मना रखा है, इधर मन मना रखा है, अभी तो हाल तक टेम्परेचर हाई होना बाकी है, 26 को होगा टेम्परेचर हाई, पता चल जाएगा, हो जाएगा, 26 को पक्का हो जाएगा, जो फिर तो जनता है किस तरफ अभी तक तो चल रहा है। देखो आप लोग क्या सोचते हो? लाठा रहा हम सोचते हैं, लाठा रहा, इस बंदे में दम है,
काम तो होगा तो नहीं, पीछे 70 साल पीछे चल रहे तो अभी लांठा रहा तो लांठा ही रहा एक ही, अब देख लेंगे 5 साल, अभी 5 साल निकाल दिए क्लास के साथ तो अभी निकाल देंगे 5 साल। आप क्या सोचते हो चाचा, उसमें बताए नहीं आप जो है? जी अभी हम क्या बताएं, हमको कुछ मालूम नहीं। किसके दावे में ज्यादा दम लग रहा है? टी बचीड़, टी बचीड़, टी बचीड़। आप लोग दम, मामला साइलेंट है, साइलेंट है, माहौल देखेंगे किसका भीड़ भाड़ है क्या है भीड़ भाड़ से चुनाव। अच्छा एक बताइए, जैसे लोगों ने कहा कि तो रील बना के सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं, इतनी भीड़ आती नहीं है, वो तो जो है रील का, रील अगर बाड़मेर में बनती तो कहाँ गया था सूरत, कहाँ गया था अहमदाबाद, कहाँ गया था गुजरात, कहाँ गया बड़ोदरा, कहाँ गया चेन्नई, कहाँ राम मंद, आंध्र प्रदेश जा कर्नाटक, वहाँ के लोग उत्सव है। इस देश के युवा नेता 26 साल का जो बंदा है जो यहाँ सोच रहे कि बाड़मेर में जो रैली की, उसने बोला था लोगों ने कि तो जोधपुर की भीड़ है, ये बीकानेर की भीड़ है, ये नागौर की भीड़ है। अरे कहाँ गया था गुजरात, जो गुजरात में 36 कूम के लोग खड़े होके बोले, हर कदम से कदम मिला के चले, और बंदा पैदल चल के ना रात को 2 बजे पंचभद्रा में, रात को 2 बजे मीटिंग किया, बंदे में दम है। जब रात को 40,000 लोग खड़े थे पंचभद्रा और बालोतरा के अंदर, क्यों खड़े हैं? उनको पता है आने वाले वक्त, और ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट बंदा लगाने वाला बंदा एक ही है जो युवाओं के लिए काम करेगा। सर क्या नाम बताया? बरकत अली। ये बताइए बरकत, कि हम जब कैलाश चौधरी जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने, अच्छा आप में से किसानी कौन कौन करता है खेती? सब जो कैलाश चौधरी हैं उनसे जब मैंने, आप चाचा किसानी करते हो, खेती करते हो? जो उनसे हमने पूछा कि आपके इलाके किसानों का आय दुगनी हो गई, तो उन्होंने कहा दुगनी हो गई, तो वही आप लोगों की आय दुगनी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुई, कोई दुगनी नहीं हुई है। जब हमारे यहाँ पकती है, खाते हैं, बाकी मोल के लाते हैं, पानी मिल देता है, ठक्की लाते, गवार सेवा करते, गौ 3 लोग की माता है उनकी सेवा करती है बस। मेघवाल, मेघवाल। हाँ तो जैसे वो तो कहे कि जो हमने खूब सड़कें बनवाई, पानी पहुंचाया, सब कुछ किया, जो है मोदी जी का काम है, नाम है। मोदी जी किया या कांग्रेस किया, कौन सब करते हैं, मैराथन करते हैं। और जैसे वो कहे तो हमने बाजरे का सेंटर बनवा दिया, अब यहाँ बाजरा जो हैदराबाद से यहाँ लैब ले आए, बाजरा तो कुछ खेती करते मिलेगा, खाएगा, बैठे मौज करे, कुछ नहीं है, मोल के जाते है, टक्की डड़ावा जरिया फोड़ी लेते है, कोई पौड़ी वही मोल कर जाता है। खेती करो माता नहीं पड़ता, वही गया फैसल, तेरा जरिया मिलता पहले कांग्रेस वाला भाई बंद हो गया है। बोले तो हमारे यहाँ तो ऐसी सड़क बन गई, क्या हवाई जहाज उतर जा रहा है? जहाज ने कौन है, जहाज यहाँ रहेगा उतर गया तो जहाज में खा दोगे। अच्छा ये बताइए कि किसका जोर लग रहा है? पर कांग्रेस जी वोट दिया, अभी तक कांग्रेस देगा, करे तो करेगा, बंद करे वाली बराबर कांग्रेस दिया हमने, कांग्रेस फिक्स है। हाँ ये सब है कांग्रेस फिक्स है, बस कांग्रेस देगा। हम दा, क्या नाम जानू खान। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रविंद्र भाटी भाई वो अपना मर्जी है, कांग्रेस को देगा, अपने बाप डाडे कांग्रेस को दिए, अपने भी कांग्रेस बराबर कांग्रेस को दिया हमने। यहाँ बचीड़ बोल जाएगा 26 तारीख को, लोगों को अभी तो उत्सव थोड़ा बहुत है। आप कल जो दो तीन दिन के बाद एक बड़ा एक रैली है बाड़मेर से लेके जसिंदर तक, पूरा रोड शो रहेगा इसमें, उस टाइम पता चल जाएगा कि कांग्रेस के लोगों को भाई ये सेवा करने आने वाले वक्त में जो बंदा है, बंदे के पीछे हम हैं बस। नहीं नहीं आप लोग एक बात ठीक है, चलो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग सब, आप क्या करते हो? सर मैं तो मजदूर हूँ। क्या करते हो आप, क्या नाम है आपका? प्रकाश नाथ। कहाँ रहते हो प्रकाश? राम सर। राम सर, वहाँ किसका माहौल है? उधर सर रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी, क्यों है ऐसा, क्या है उस लड़के में? युवा नेता है सर, अच्छा है, देख लेंगे 5 साल तक। अब वो तो कह रहे हैं कि कैलाश जी हमसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जिसकी सरकार बनेगी वही तो काम कराएगा, जो निर्दलीय जिता के भेज देंगे तो थोड़ी ना कुछ काम हो पाएगा, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? इसके बारे में हम सर यही बता रहे हैं कि 5 साल में कैलाश जी जब मंत्री बने हुए थे, उन्होंने क्षेत्र के अंदर कौन सा काम कर, एक ही काम गिना दे, एक भी काम गिना दे। आज की डेट में पानी की बात करिए, बीजेपी का नाम लेके, मोदी जी का नाम लेके वो बता रहे कि हमने ये कर दिया। यहाँ पर 1,000 रुपया 2-3 किलोमीटर में 1,000 रुपया टैंकर का दे के लोग पानी पी रहे हैं सर। उन्होंने अब तो बोल दिया कि गवर्नमेंट में रह के नहीं, 70 साल जब हमारा कुछ नहीं हुआ तो 3 साल 5 साल और देख लेंगे, उसके बाद में आगे और देख लेंगे।
लेकिन जो रविंद्र सिंह से जनता को उम्मीद है, जनता ने यहाँ देरा सर में 90। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जैसे राजपूत वोट इस बार समझ में आ रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी को इस लोकसभा में जा रहा है, बाकी जगहों पे राजपूतों का क्या है? जो पुरुषोत्तम रूपाला का बयान है उसके बाद क्या कुछ? बिल्कुल राजस्थान में नहीं, गुजरात और राजस्थान के राजपूत भाई कोई भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। जिस हिसाब से इन्होंने रूपाला ने हमारी सत्रणियों को टिप्पणी किया है, उस हिसाब से गुजरात के अंदर है ही, लेकिन राजस्थान के अंदर कई जिलों में अभी भी प्रभाव पड़ रहा है, कस्में खाई जा रही है जल हाथ में लेके। उसका एक ही कारण है कि बीजेपी से नाराज जी, बिल्कुल राजपूत समाज कट्टर बीजेपी से नाराज है। कमल हमारी भूल बिल्कुल सही है, बीजेपी से हम कट्टर नाराज है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम पवन गौड़ सर। पवन क्या करते हैं? मैं पढ़ाई वगैरह भी चलता है, चश्मा बहुत गुरु टाइट लगाया। नहीं अभी जा रहा था, आपको जानता हूँ मैं, अभिनव जी आपको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, इसलिए आपको देखा, इसलिए रोके, वो गाड़ी खड़ी मेरे वहाँ पे। क्या करते हो आप, क्या पढ़ाई? मैं वो टीचर एग्जाम की तैयारी वगैरह करता हूँ। आप लोग आप इसी लोकसभा से हो? हाँ बिल्कुल। क्या माहौल है आपके? एक तरफा रविंद्र सिंह भाटी सर। क्यों? युवा है, उम्मीद है लोगों को, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, पीने के लिए भी नहीं है, खेती वगैरह छोड़ो। उस बंदे में दम है इसलिए उसके उसके अंदर खड़े। ये सब जो लाइन बोल देते हैं, भचीड़ बुला देंगे इसी, वो भचीड़ उनका मारवाड़ी में बोलता है, वो भचीड़ बुला देंगे। पानी लेके आना, शिक्षा पे ध्यान, भचीड़ हमारी लैंग्वेज है भाई, भचीड़ बोला देंगे इनको, गिराएंगे तो ये नीचे गिर गया, उसका मतलब भचीड़ बोला दिया, पराजित कर देंगे, लैंग्वेज है। तो क्या क्या है, भचीड़ बोले? भचीड़ बोला देंगे, भचीड़ बोला देंगे 26 तारीख को, भचीड़ टी भचीड़ चाय का साथ में होना चाहिए ना, चाय के बिना। रविंद्र सिंह के समर्थकों के इलाकों में आ गया हूँ, क्या गलती से कोई रैली वैली तो नहीं? नहीं हर बार ये मतलब रविंद्र सिंह को, 36 गांव के लोग, हर जाति बिरादरी के लोग आज इस टाइम रविंद्र, आप क्या सोचते हो? यही रविंद्र सिंह को वोट देंगे, विकास करेंगे, युवा है। आप इन सबके दबाव में तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, दबाव में नहीं, कोई किसी के दबाव में नहीं। आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन मेरे साथ रविंद्र सिंह की तरफ है, आपका मन भी रविंद्र सिंह। मेरा मन किसी की तरफ नहीं है, मैं तो चुनाव देखने आया हूँ कि आप लोग क्या है? आपको पूछा जाए आप क्या कहोगे? हम तो वोटर ही नहीं है ना, हम ऐसे तो हम भी वोट, मैं भी बाहर का वोटर नहीं हूँ, फिर भी आपसे पूछा जाए आपका। एक बात बताइए मैम, आपका चेहरा पड़ते हैं, आप भी रविंद्र सिंह के पक्ष में, मैं भी रविंद्र सिंह पक्ष में हूँ, लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। अरे तो आप तो सब सारे सिंह जो है इस समय जो है समर्थन में दिख रहे हैं। खान हूँ हम, मैं खान हूँ, सिंधी दो तीन ही है, सिंधी मुसलमान हूँ, स्थानीय यहाँ का निवासी हूँ, मेरा पैसा जैसे खेती बाड़ी है, और भाटी साहब हमारे युवा नेता है, हर गरीबों के दिलों की धड़कन है, हर गरीबों के दिलों की जान है, उस बंदे में जान है, ये भचीड़ बोला के दिल्ली जाएगा और लाल बत्ती लाएगा, हमारी दिल की तमन्ना है, हम इनके लिए दुआ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाटी साहब की विजय हो। एक बात तो आप जैसे कहाँ से बताए, कहाँ से हो आप? बाड़मेर से। बाड़मेर से, तो यही लोग वोट है आपका? बाहर यही बाड़मेर विधानसभा, बाड़मेर। जो ये लोगों ने कहा कि बाहर से सारी भीड़ बुलाई गई थी, ये सब ये तो सब जुमले है, झूठे है, अब कहते हैं बाहर से भीड़, उसके बाहर से थोड़ी आई, बाहर से कहाँ से आई, गुजरात से आई क्या बाहर से, ये तो सब झूठ है, लोग झूठ फैला रहे, हार रहे, हार की वजह झूठ बोल रहे, पहले शिव में भी ऐसा ही बोला। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम लूणा राम है। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। किसका माहौल? माहौल कांग्रेस का, उम्मीदवार बेनीवाल का। उम्मीदवार बेनीवाल राजनीति राजनीतिक पहली राजनीति गए, जहाँ देखो भाई तुम्हें देखो हरीश चौधरी गए यहाँ, ठीक है ना, टक्कर रही है, ठीक है ना, युवा नेता है, पहले RLP में था, ठीक है ना, अब RLP में बहुत तेज हलचल के बाद में अब कांग्रेस में आए, ठीक है ना, माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगी। जीत सकते हैं? जी सकते हैं, रविंद्र सिंह और उम्मीद राम की बहुत अच्छी टक्कर रहेगी, बाकी बीजेपी लास्ट बसीर बोल जी, उम्मीद राम के बसीर बोल बोला देंगे, रविंद्र बचीड़ बोला देंगे। कौन किसका बचीड़? उम्मीद राम बसीड़ बोलेंगे, उम्मीद राम बसीड़ बोलेंगे। अच्छा ये बताओ उम्मीद राम के और कौन कौन समर्थक है, उम्मीद राम जीत सकते हैं? तभी तो बात ही बढ़िया होगी। समर्थक नाम? नाम मेरा लादू राम है। तो क्या है उम्मीद राम जी से, क्या उम्मीद है आप लोगों की? उम्मीद राम जी एकदम छाप छवि के नेता हैं और एकदम बहुत तकड़े आदमी है और बहुत संघर्षशील आदमी है,
और बाकी हमें दाराम कोई जातिवाद नहीं करते हैं, एकदम बेदागात जातिवाद 1% नहीं है। बोलना चाहता हूँ मेरी लोगों सुनिए, अब इनकी सुनने दीजिए, आगे रहेगा कम से कम 20% आएगा भाटी को, तो 80% आएगा यहाँ ये सब कुछ नहीं है, खाली ये सब क्या बाहर के हैं क्या, ये कई बार कौन बोलता है हम गांव के कई बार के कई है की 80% उम्मीदवार राम वोट लाएंगे इधर पंचायत 80% उम्मीदवार राम जी को मुसलमानों के वोट मिलेंगे सर। उम्मीदवार राम के लगभग बोल रहा हूँ 2 लाख से प्लस जीत है 101%। ये आज स्क्रीन शॉट मेरे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख बोल दे रहा हूँ उम्मीदवार राम माहौल बहुत अच्छा है, तेज माहौल है। और एक हमने अपने नोट कर दो आज से एक बार इन सब की सुन ले सर, मुझे उम्मीदवार राम जी पहले RLP के थे, परसों कांग्रेस की गोद में जाके बैठे है, इसलिए उम्मीदवार राम को ना तो हम जानते नहीं है, नाम ही पहली बार हमने सुना है, उम्मीदवार राम का नाम ही हमने पहली बार सुना है। हम कांग्रेस पार्टी की जानते हैं और हम किसको नहीं जानते, हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, किसी किडने की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नाते वोट दे रहे हैं, हम लोगों ने 60 साल वोट दिया है और देते रहेंगे। आगे आ जाओ आप ऐसे पीछे आगे हो ना सर, सर अरे इधर आ जाओ 80% यहाँ बिल्कुल इधर। क्या नाम है? जानू खान, जानू खान 70 भाटी 30 कांग्रेस, 70 भाटी कांग्रेस, टी बची टी बची टी बची टी बची टी बची कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस का जीत है भाई, ये देरासर पंचायत कांग्रेस की जीत है। आपने अभी इंटरव्यू ले लिया, चलो हम तो यहाँ के कांग्रेस से भाटी है सर। एक मिनट बढ़ता भाई, तुम देखो कितना विकास हुआ है ना, वही विकास उम्मीदवार हम कराएंगे और उम्मीदवार हम अपने भाई तुम विकास देखो ना, शिक्षक से मेरी मेरी बात सर एक मिनट सर एक मिनट सर एक मिनट प्लीज 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 सर एक मिनट सर देखो, जिस बंदे ने जेब के पैसे से शिक्षा क्षेत्र में आगे आकर जिस शिक्षा क्षेत्र में बहन बंदे ने पैसा के दम आपने पैसा जेब के पैसे देकर विकास हो या ना हो, हमारे जो ये देरासन पंचायत है ना वो कांग्रेस को ही देगी, चाहे विकास हो ना हो। हम क्या बाहर, मैं बाहर का हूँ तो देरासर क्यों दे, हम के बाहर तो नहीं, मैं देरासर का स्थानीय हूँ, स्थानीय पूर्व सरपंच का लड़का हूँ, हमारे 80% मोहम्मद थोड़ो बात कर ले, हमारे यहाँ स्थानीय और हम ये कहते हैं दावे के साथ कहते हैं रविंदर सिंह भाटी के साथ 36 कौम है, 36 कौम हिंदू मुसलमान पूरे, अरे बंदे में एक मिनट आदमी तो है करी मगर उसकी माए बहने मातृ शक्ति भी पूरी उनके साथ है। आप उनका एडियो घूमो ऐसा नहीं है, दरअसल एक में मत घूमो, पूरा क्षेत्र में हमारे लोकसभा क्षेत्र में घूमो, माताओं बहनों को पूछो, वो भी कह रही है कि रविंद्र सिंह हमारा बेटा है, ऐसे करके हम आपके साथ है। सफाई मांग रही है, सबसे पहले सर बेटा नहीं चाहिए, हमारे को काम चाहिए, सन 2014 से लेकर आज तक कोई काम नहीं हुआ है, हम MP बना के उम्मीदवार राम जी को भेजेंगे, सबका काम होगा और हम काम के पीछे जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। आज के टाइम में हमें युवा शक्ति आज के टाइम सर जो भसीड़ बुलाने का बोलता है, हमारे को भसीड़ का काम नहीं है, हमारे युवा आज तक बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगारी पर वोट जीतेगा जाएगा तो BJP में ना, उसको रविंद्र सिंह को दो चाहे कैलाश चौधरी को दो, बात तो एक ही सर, कुल मिला के सब सर सर सब गठबंधन करके बैठे हैं, सब गठबंधन करके हम आज के टाइम में शिक्षा के क्षेत्र में वोट देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में वोट देंगे तो उम्मीदवार हम बेनीवाल जीतेंगे और उम्मीदवार आज के टाइम में कांग्रेस आएगी जिंदाबाद। हमें सर विकास नहीं चाहिए, आपको कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्या नाम है आपका? गणेश राम है। कहाँ से हो आप गणेश? मैं यहीं का देरा सर का। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कांग्रेस और रविंद्र सिंह भाटी की टक्कर मालूम पड़ती है, और टक्कर है, माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है और सब लोग शिक्षा, मेरी बात रहो, यहाँ शिक्षा पिछड़ी हुई है सर, यहाँ शिक्षा पिछड़ी हुई है, शिक्षा क्षेत्र में वोट देंगे लोग और शिक्षा में रविंद्र सिंह जीतेंगे नहीं और उम्मीदवार हम जीतेंगे। ये बताओ चाचा कहाँ वोटों से जीतेंगे? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह जी भाटी 6 लाख वोटों से हम आज या उम्मीदवार हम हैट्रिक मारेगा या भाटी हैट्रिक मारेगा। भाटी 2 बार निर्दलीय जीते हुए हैं, तीसरी बार हैट्रिक मार लेंगे या फिर 2 बार वो हारे हुए हैं। उम्मीदवार हम अगर शिक्षा की बात नहीं बोलते, शिक्षा की बात नहीं बोलते, अगर जोधपुर निर्दलीय आदमी खड़ा होके जोधपुर जयनारायण विश्वविद्यालय के बंदे ने, अरे वो सब तो सब जान गए, वो निर्दलीय, मैं निर्दलीय की बात बोल रहा हूँ, एक दूसरी बार विधायक हुआ निर्दलीय खड़ा हुआ बंदा, बंदे में दम है, बंदे के लोगों को उत्साह है बंदे से। आप जब ये कह रहे हो दोनों में इसको एक ट्रिक मारेगा तो उसमें आप दोनों ही लाइन में आप रविंद्र सिंह भाटी को जिता रहे हो? नहीं, दोनों रविंद्र सिंह 2 बार निर्दलीय जीते हुए। एक बात बताइए चाचा, एक सेकंड, जो इन्होंने कहा
कि भाई रविंद्र सिंह भाटी को जिता देंगे तो उसके बाद वो भाजपा में ही चले जाएंगे, तो उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? भाजपा में चले जाएंगे तो उनकी मर्जी है, हम उनको ये नहीं कह रहे कि आप भाजपा में जाओ या कांग्रेस में जाओ, उसकी लंबा राजनीति है, वो 26 साल का है, युवा है, कुछ तो उस पर कुछ लोगों ने तो कहा है, जब भरोसा दिया है तब जाके वो विधायक है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है एमपी बनने की, कहाँ उसको नौबत आ रही है, वो विधायक है, 26 साल की उम्र का बंदे को विधायक की मिल गई है, यहाँ तो 80 साल के बन के बैठे सरपंच तक नहीं मिल रही है, वो तो 26 साल का बंदा विधायक बन के बैठा है, मैं 45 साल का, मुझे आज तक वार्ड पंच नहीं मिली है, उसका नसीब तेज है, युवा सब उसके पीछे है, अगर कल वो बीजेपी में जाए तो भी उसकी इच्छा है, चाहे कांग्रेस में जाए तो भी उसकी उसका है, हम रविंद्र के साथ है, 26 तारीख को बचीर बोला कुछ दिया गया है क्या? हमको कुछ नहीं दिया है, हमको उसने प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, इज्जत दी है, इज्जत, वो इज्जत वाला काम कर रहा है, बस अभी तक हम उनको पहचानते नहीं है, हमने उनका आज तक हम सौगन उठा के कह रहे उनका घर तक नहीं देखा है, उसने मेरे को लग रहा है उसकी जबान में ऊपर वाले ने जो तासीर दी है उस तासीर पे लोग फिदा है। क्या बोलते हो आप लोग? भरोसा दिलाया रविंद्र सिंह भाटी ने, जो भी यहाँ का माहौल है जनता का, जो भी हम देख रहे हैं उम्मीदवार राम जी का और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का, तो उसमें से बेस्ट तो यही लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी जी विजय हो गए। आप लोग क्या सोचते हो? हम क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, जैसे कि रविंद्र सिंह यंग युवा है, 84 साल में एक इतिहास रचा है, MLA लड़ा, जैसे कि सरकार तो थी ना बीजेपी की थी और कांग्रेस की भी थी, और निर्दलीय एक बंदे ने ताल मार के MLA जीता है, लेकिन लोग कुछ बोल रहे हैं कि बीजेपी में जाएगा, लेकिन बीजेपी में जाने के लिए इनके पहले भी जगह थी ना, इनको टिकट दी नहीं बीजेपी वालों ने, ठीक है, निर्दलीय ताल मार के MLA हम जीत गए हैं, अब की बार टिकट बीजेपी इनके पीछे पड़ी हुई थी कि हमारी सरकार में आप आ जाओ, वो बंदा बोला हम निर्दलीय ही जीती गए, और अच्छा यंग युवा में क्रेज है और आने वाले टाइम में जीतेगा, बहुत बड़ा एक इतिहास रचेगा जी। ए इधर आना, उंगली क्यों खा रहे हो? अच्छा इधर आओ, भागो मत, भागो मत, इधर आओ। अच्छा इधर, क्या नाम है? गोगरा। गोगरा। क्या चुनाव उनाव चल रहा है, पता लग रहा है क्या? नहीं। अच्छा कौन नेता अच्छा लगा बेटा? दल्ला राम। दल्ला राम रो। कौन नेता अच्छा लगता है? रविंद्र सिंह भाटी। अरे यार, ये आप बोल के बुलवाओगे तो फिर ऐसे थोड़ी ना होता है, उसको बोलने तो आप जो उसके मन भाई आप बेटा एक मिनट, तेरे कोई दबान नहीं है, आपने ये एमपी हम कई बड़ी आदमी है, देखो बोला है आप उसे मुंह से, बच्चों को जो दबाव मत दीजिए, उसको जो बोलना हाँ क्या अच्छा लगता है उम्मीदवार में? ये जीत जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? 9th में। इधर कौन अच्छा लग रहा है नेता? यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी है। उम्मीदवार राम जी और कैलाश चौधरी जी? नहीं उन्हें नहीं हम वोट देंगे। तो तुम तो वैसे भी नहीं वोट दोगे यार, तो भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं, घर परिवार में क्या पूछे? फिर भी उससे इनके घर में माहौल तो हुई हो। पापा क्या कह रहे हैं? हाँ, पापा बोल रहे रविंद्र सिंह वोट देंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उम्मीदवार राम जी अच्छे नहीं है, अभी छोटा बच्चा है, आदमी बढ़िया नहीं हो इसलिए। अरे तो इसे बताते हैं, तो सिपाही रहे दिल्ली पुलिस में, साधारण आदमी है जो एकदम से है। हम तो भाई हूँ। क्या नाम भाई दोस्त आपका? इमाम खान। क्या है इमाम? देखो गांवटा में जो होगा जो देखा जाएगा, 26 तारीख को पता पड़ जाएगा। हाँ, साइलेंट है मामला। मामला साइलेंट। असली खेल तो साइलेंट वालों का ही होता है। कौन ये आप सरपंच हो? सरपंच दूसरा, भूतपुर सरपंच। क्या नाम आपका? जाकिर हुसैन। क्या है जाकिर हुसैन साहब, आप क्या मामला? हमारे यहाँ में कांग्रेस है। कांग्रेस है? कांग्रेस अच्छा होल्ड है। हाँ अच्छा है। कितना? और जो है कैलाश चौधरी जी? कैलाश तो यहाँ जीरो है, कोई यहाँ वोट नहीं। और रविंद्र भाटी? रविंद्र भाटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं यहाँ, कुछ नहीं यहाँ, 100% कांग्रेस। रविंद्र कोई नहीं, 100% कांग्रेस। हाँ अरे कुछ तो आपके गांव के मिले कह रहे हैं हम जो है, हम सब भाई है, हम सब भाई है। 100% पहचानता नहीं हूँ, गाँव का हूँ, आप कहाँ के हो?
मैं गांव का हूँ, आप कहाँ के हो? किसका लड़का है? किसका लड़का है? गांव का है तू? चेनाराम कौन सा? तो क्यों हमारे गांव का बनता है? मैं देरा सर का हूँ, मैं गांव का, मैं देरा सर का। आप कह रहे हो बाहर के, गांव वालों को कह रहे हो, मीडिया वालों को, हम बाहर के, आप बाहर के हो, मैं गांव का हूँ। मैंने सर बाहर बोला ही नहीं। तो आप कह रहे कि हमारे पड़ोस के यहाँ से किसी के दबाव में आके वोट नहीं देंगे? इधर माहौल 80% कांग्रेस का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस है। ये आपके गांव में रविंद्र भाटी भयंकर समर्थक है? समर्थक है सर। अब अपनी अपनी सोच अलग अलग है, बाकी सब हम एक समर्थक है, पूरा गाँव समर्थक। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, इसलिए गवर्नमेंट ने मत को ओपन नहीं करवाया है, बंद दिलाया है। मुझे मेरा स्वतंत्र तो अधिकार है। एक मिनट, एक मारती, हमारे यहाँ 12 कैंडिडेट है, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 12 कैंडिडेट खड़े हैं। हमारा अधिकार है, मत हमारा किसको दे, हमारा ये अधिकार है, बंद है। वहाँ मैं जब मत देने जाऊंगा तब मैं देखूंगा, वो कैंडिडेट जिसको दूंगा वो नहीं देखेगा, एक ऊपर वाला देखेगा। इसलिए हम कह रहे हैं मत को बंद इसीलिए दिलाया है, हमारा वोट रविंद्र सिंह भाटी को, ओनली फॉर भाटी। ये भाटी साहब को देंगे, दूसरा सब कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ कांग्रेस है। मेरा नाम उदयराम है, मैं शिव विधानसभा से हूँ, और यहाँ पे बाकी कोई नहीं है, एक उम्मीदवार जी है जो कांग्रेस प्रत्याशी है, वो मजबूत है, उम्मीदवार बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और 100% उम्मीदवार यहाँ से निकलेंगे। सतीश कौम एक है, सतीश कौम से आप कहाँ से आ रहे हैं? आप उनके कार्यकर्ता हो, आपकी गाड़ी दिख रही है? कहाँ हो गए? नहीं, गाड़ी हमारी निजी है, उनके कार्यकर्ता नहीं, हम उनका, आपका पोस्टर लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं साहब, उनका प्रचार कर रहे हैं। एक एक आदमी उम्मीदवार बन के काम करेगा, तब उम्मीदवार निकलेगा। और ये कह रहा हूँ 2.5 लाख प्लस वोटों से उम्मीदवार निकलेगा यहाँ से। हाँ, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं, ठीक है, लोकसभा में सब उम्मीदवार बन के हुए हैं और सब उनके साथ हैं, सब उनके साथ हैं। ये कह रहे हैं कि जाट बिरादरी में उनको ज्यादा वोट मिल रहा है? कोई कोई जातिवाद नहीं है सर, कोई जाति यहाँ खड़े हैं ना, किसी को भी हमारे मुस्लिम भाई है, मुस्लिम भाई है, जाट की बात नहीं है यहाँ, सब मुसलमान कांग्रेस में, कांग्रेस में सब मजबूती के साथ, सतीश कौम एक होके सब चुनाव लड़ रहे हैं, सब उम्मीदवार बन के काम कर रहे हैं, सब उम्मीदवार बन के 100% 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो कितने दिन राजनीति करेगा? चार छह महीने कर लेगा, एक बार विधायक बन जाएगा या एक बार एमपी बन जाएगा। ज्यादा नहीं चलनी है दुकानें, ज्यादा दुकानें वही चलेगी जिनके पास खुला विजन होगा, जिनको सबको साथ लेके चलने की शक्ति होगी, वही टिकेगा ज्यादा दिन। कांग्रेस हमेशा किसान के हित में रही है, किसान के साथ में रही है। ठीक है, भटक गए, लेकिन अभी हम सही रास्ते पे हैं, अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। गरीब पीड़ित शोषित, अच्छा बताइए सर, मेरी बात सुन तो नहीं तेरी यार, सुन तो और सुन रहा हूँ, रुक जा, अरे इधर एक टिकट ला, उधर आ जा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये बताओ कि जैसे कहाँ से हो बाबा आप? कहाँ से हो? पोखरा से। पोखरण से? नहीं, पोखरा से। पोखरा से क्या माहौल है? पोखरा सर, पोखरा सर, क्या माहौल है आपका? हाँ, माहौल तो रेडी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। किसका है? किसका इसका धमकी का तो जड़ी जड़ी भावना है। सब चलेगा उधर, आप ही चलेगा, किधर सब चल रहा है, क्या कहता है, सब हमें चलेगा उधर, आप ही चलेगा, गाँव का चलेगा उधर, आप ही चलेगा, बस यही बात है। किसका ज्यादा, किसके वादे, किसके काम में ज्यादा दम लग रहा है? ज्यादा हमारे गांव में ज्यादा चले, बाकी मंठा को, अरे हमारे हमारे बूथ के अंदर उम्मीदवार मजबूत है, बाकी का हमारे ठा नहीं है साहब। अच्छा एक सेकंड, आखिरी चीज में आप लोग से पूछ लो, एक एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा दोनों तरफ से। मैं कांग्रेस को, क्या नाम है? मेरे तो बेमारा है बालाराम जी, ये कह रहे हम कांग्रेस के साथ थे और अभी भी कांग्रेस। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं दोनों तरफ से एक एक सवाल पूछ के इस बात को खत्म करूंगा। भाई भाई है। हाँ, कोई नहीं, भाई नहीं, नहीं। आप एक चार बार पूछो, जैसे आप देंगे, जैसे आप लोग कह रहे हो कि उम्मीदवार जो बाहर आज देश दुनिया के लोगों को पता लगा कि एक निर्दलीय कैंडिडेट है जो दमदारी से चुनाव लड़ रहा है, जिसके साथ रैली में समर्थन में बहुत भीड़ आती है, और उस बाकी लोगों में जैसे उम्मीदवार जी की नामांकन रैली उसमें भी खूब भीड़ आई, तो फिर और एक पक्ष ने कहा कि भीड़ वोट नहीं बदलती है, भीड़ से वोट नहीं होता, भीड़ तो ऐसे आ जाती है, वोट बदलने में अलग सी बात होती है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल्ली से चल के या पाकिस्तान बॉर्डर पे आए, इसलिए हम लल्लन टॉप का शुक्रिया अदा करते हैं, क्यों हमारा काम है हर जगह पहुंचे। आप भीड़ की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक आरएलपी का नेता सुना, हनुमान बेनीवाल,
वो वहाँ जोधपुर से निकलता है तो बाड़मेर तक का उसके काफिला चलता है, उसके साथ 200-250 गाड़ियाँ गई। कभी वो भीड़ वोट में तब्दील हुई नहीं हुई ना, एक सीट निकाल पाया ना, तो ये भीड़ बिना उद्देश्य की बिना विजन की ये भीड़ है, सिर्फ दिखावा करने का काम है, बाकी उनके पास क्या विजन है। तीन दिन से वो फील्ड कर रहा है, आप देखो ना लास्ट की एक पोस्ट क्यों डाल रहा है, सारे गांवों की डाला ना कि गया भाई देरासर गया तो देरासर एक में भीड़ तेरे को दिख गई वहाँ तूने डाल दी, तो अगले गाँव में गया तूने संपर्क किया वो क्यों नहीं डाल रहे हो आप, सारे डालो ना अगला संपर्क आपका कैसा रहा, आप उठा के जहाँ भीड़ होती है वही क्यों डालते हो, कुछ तो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी साहब, ठीक है ना। ये फालतू की भीड़ है, भाड़े पे बुलाई गई भीड़ है, इसमें कुछ नहीं होना है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज जिस स्थिति पे है तीसरे नंबर पे रविंद्र भाटी नहीं जाए तो आप कहोगे वैसे कर लेंगे, 2.5 लाख वोट से उम्मीदवार हम जीतेंगे, कैलाश जी रहेंगे टक्कर में, भाटी टक्कर में ही नहीं रहेगा, ये बात फाइनल है। आप सर इस पे तो हम अभी तो नहीं बता सकते, इन भाई को ये मालूम है कि उम्मीदवार हम जी 2.5 लाख से जीतेंगे तो उनको घर सुला दो, लोगों में जाने की क्या जरूरत है, उनको पता है कि उम्मीदवार हम 2.5 लाख से जीतेंगे तो उम्मीदवार हमको बिस्तर लगा के घर सुला दो, हम दावे के साथ कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं। मुसलमान हमारे यहाँ पहले एक मिनट, हमारे यहाँ मोमिनन के इस क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों के 90,000 वोट है, 90,000 वोट है, 90,000 वोटों को चौधरी भाइयों ने हमारे ने फाटा, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन खान खड़े थे यहाँ पहले, चौधरी भाई के हमारे क्षेत्र में 40,000 वोट है, हमको एक वोट नहीं दिया था, एक वोट कांग्रेस को चौधरी ने नहीं दिया था, अब 3 महीने में पाले बदल के कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, इसकी वजह से हम निर्दलीय है, हमारा स्वतंत्रता हिंदुस्तान आजाद है, हर आदमी का अधिकार है, हम वोट उम्मीदवार हम को हर किस नहीं देंगे। एक ही चर्चा जी, हम उम्मीदवार राम जी की कोई गलत कमेंट नहीं है, वो बहुत अच्छा शिक्षा में अच्छा है, सब लोग अच्छे है, ऐसा नहीं बोल रहे किसी का, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जो लोग माहौल है युवाओं की पीढ़ी का माहौल है, अब बात आई कि सर ने बोला कि हमें पता है 2.5 लाख में उम्मीदवार राम जी जीत जाएंगे, बहुत बढ़िया बात आपने बोला, अच्छी बात है, ये तो अभी हमने डिस्कस करके रविंद्र जी जीतेंगे 26 तारीख को पता चलेगा, बट डिस्कस ये करते रात को 12 बजे, अब सर ने बोला कि भीड़ एक फोटो को दूसरे फोटो में डाइवर्ट कर रहे हैं, अब कल उसने 12 बजे पंचभद्रा में मीटिंग किया बालोतराम गया, और रात को 2 बजे पंचभद्रा मीटिंग किया, और रात को 3 बजे वो पंचभद्रा से दूधवा गाँव है वहाँ निकला, बारिश मौसम चल रहा था, वो बारिश से भीग के बंदा काम कर रहा है, वो ऐसे लोगों का होता है, हम लोगों भाईचारा है, ऐसा तो कभी साहब ने बताया था सर के ये भीड़ भाड़ की है। अच्छा सूरत जब गए थे जब हमने लाखों में देखा लाखों की भीड़, अगर अहमदाबाद गए तो 1.25 लाख की भीड़, अगर वापी पहुंचे तो 1.5 लाख की भीड़, अब बम्बई गए तो 2.5 लाख की भीड़, हैदराबाद गए 3 लाख की भीड़, चेन्नई गए 5 लाख की भीड़, वहाँ कौन गए थे, हम तो नहीं गए, अब इसमें भी कौन अच्छा लग रहा है आप लोग, नहीं ये अपने मुँह से आप नहीं बताएंगे, आप क्यों बताएंगे उनको, जो उनको बोलने तो आप बता के रोड पे क्या क्या आए थे, वो भाई क्या क्या आया था रोड पे, मैं नहीं अमेदा राम बेनीवाल जीतेला पौड़ी हो करो लाने, रविंद्र सिंह भाटी, रविंद्र सिंह भाटी लगभग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और कैलाश चौधरी, कैलाश चौधरी कहीं को कौन, ये आपको सिखा के लाए हैं क्या, ना वो तो मेरा आप ही आई से मोल ले मनकण को एकाल लाए, रविंद्र सिंह भाटी को शिव की जनता ने 5 साल शिव के विकास के लिए चुना है, उनसे हम ही यही रिक्वेस्ट करें कि आप शिव की जनता का काम करें, जो आपने बॉर्डर इलाके में जाके ये बड़े बड़े वादे किए थे ना मैं कि पानी लाऊंगा नहर जो भी करूंगा, उन सुविधाओं को आप मूलभूत सुविधाओं को पूरा करें, अभी आप मंच पे भाषण भी नहीं देते हो, नहीं आप कोई ऐसी बात करते हो या नहीं तो आपने 5 साल में किसी भी कार्य की स्वीकृति करवाई है, नहीं किसी कार्य का लोकार्पण किया है, तो हम यही अनुरोध करते हैं, हमने चुन के भेजा है ये, तो 5 साल जनता के बीच आप शिव से हो, बिल्कुल शिव से, हम 5 साल हमने चुन के भेजा है तो जनता के बीच रह के 5 साल जनता की अच्छा, सेवा एक एक आरोप ये लगा कि भाई उन्होंने तो कसम खाई रामचरितमानस की शिव की सेवा करो, अब जो सांसद ही बनने निकल गए तो महत्वाकांक्षी हो गए, इसकी बात यह है जब विधायक बना उससे जनता के पास गया, मजे अलग लिए लोगों ने कि जो दो ही हैंडपंप ले आए, दो हैंडपंप का जवाब आ जाएगा, वो जनता के पास जाके बोला कि भाई लोग आप मुझे नहीं जानते, मैं विधायक से विधानसभा में
लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। उसका दावा ये था कि अगर विधानसभा तुम्हें सपोर्टर नहीं मिल रही है तो लोकसभा में तुम जाओ और हित से काम करो, वो आएगा। अभी 3 महीने हुए हैं, जयपुर में कोई नहीं सुनता है, जयपुर में कोई नहीं सुनता है, जयपुर अपना गृह राजधानी, वहाँ कोई नहीं सुनता है, दिल्ली में कौन सुनेगा भाई निर्दलीय की? आज दिन तक कितने निर्दलीय निकल के गए काम कर रहे हैं। विजन के बिना चुनाव लड़ना भी गलत है, लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3rd नंबर पे जाएंगे ये आप, 26 तारीख का इलेक्शन, 4 जून का रिजल्ट बता देगा, 3rd नंबर पे जाएंगे रविंद्र सिंह भाटी। बिना पार्टी के, बिना पार्टी के जीत के भी वो कुछ नहीं कर सकता है, ये भाई कह रहा है, इनकी भी बात एक में कहा। तारा राम जी बात कोई करो ही को नहीं है, तारा राम जी जो विधानसभा में खड़ा हुआ है और वो भी हक मांगे है का नहीं मांगे है, फिर कोई बात करो ही को नहीं। तारा राम जी कौन है? तारा वो भी दावेदार नहीं है, दावेदार ये अच्छा नया नाम आ गया। हाँ तारा राम जी आ गया, तारा राम को मैं विजय बनाऊंगा। आप विजय बनाएंगे? हाँ हाँ, क्या कह रहे थे आखिरी जो मैं ये कह रहा था, एक से आपने कह दिया, इन्होंने अब ये खत्म करूंगा मैं, हमारे गांव का पत्रकार उनसे पूछ लीजिए सर यहां की क्या सर्वे रिपोर्ट है। अरे एक सेकंड रुक जाइए, मैं पूछता हूँ, आपने कहा कि भाई निर्दलीय, इन्होंने कहा कि जब जयपुर में काम नहीं करा पाए गृह राज्य में तो दिल्ली में निर्दलीय कौन सुनेगा जी? निर्दलीय दिल्ली जयपुर में क्यों? अभी एक मिनट सर, विधानसभा के वोटों को 3 महीने हुए, अच्छा आचार संहिता अभी 1 महीने, 1 महीने में आचार संहिता लागू है, आचार संहिता में सर कोई काम होता है? हमने नहीं सुना आचार संहिता में होता है, कांग्रेस बीजेपी वाले कराते हैं तो क्या मालूम, आचार संहिता में हमने नहीं सोचा है कोई काम सकता। अभी आचार संहिता लागू है, आचार संहिता के हटने के बाद में वो बंदा हमारे पास आया था, 36 कौम को एक जजम पे बैठा के उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की, मेरी उम्र 26 साल है, मुझे वार्ड पंचायत से आपने डायरेक्ट मुझे MLA बना दिया है, मुझे कोई जरूरत नहीं। जब 36 कौम ने कहा रविंदर आप संघर्ष करो हम आपके साथ है, सर 36 कौम ने 5 कैंडिडेट खड़े थे, 5 में से मात्र 39 ठीक है, मैंने चुनाव कवर किया कि 4000 के करीब जीत आ रहा है, उसमें कोई वो जीत वाली जीत नहीं है। हाँ निर्दलीय जीतना एक अपने आप में जैसे बड़ी जीत होती तो मानते हैं भाई लोगों का वो जुनून था। अरे निर्दलीय जीतना भी बड़ी बात होती, चाहे एक वोट से जीते भाई, वो चीज है। अभी वो जो शिव वाली इतना क्रेज मान रहे वो नहीं रहा, 3 महीने में काफी क्रेज डाउन हो गया है, वो चीज हम मानते हैं। इसका मैं जवाब दूं, ये भाई कह रहे हैं कि निर्दलीय ज्यादा वोट से जीते, अच्छा तो उम्मीदवार हम निर्दलीय था वही 900, वो भी पार्टी से था 910 वोट से हारा, एक वोट से हार तो हारी होती है, एक वोट से हार जाऊं मैं आप और मैं खड़ा हूं, एक वोट से हार जाऊं तो हार तो हार है। कल या परसों के अखबार में थी, अब रुक जाए आप लोग सो गया, बाकी लोग जो हैं पीछे आप लोग बताओ क्या है मामला, आप कहां से हो? यहां से। क्या है, किसका जोर है? वोट फॉर रविंद्र सिंह बैठे। क्या नाम है? दोस्त अली। दोस्त अली। आपके चाचा? मारूफ खान। क्या है मामला? बढ़िया है, रविंद्र सिंह बैठे। उम्मीदवार मिलने सर यहाँ पे, हम हिंदू मुस्लिम। ठीक भाई आपकी बात सुन ली मैंने, 80% कांग्रेसी, 80% कांग्रेसी। चलिए हमारे खेतों में बकरी आ गई होगी, अब हम जा रहे हैं, अब चाय पियो तो भाई हम आपको बहुत थैंक यू, आप दिल्ली से हमारे इस बॉर्डर इलाके बाड़मेर से लेकर देरासर पहुंचे, और भी आपको बॉर्डर का इलाका बहुत आगे जाना है और ये इलाका हमें देखना है कि लोग किस भावना से उम्मीदवार राम जी के साथ होंगे। गांव कहाँ है? हमारा देरासर है, अंदर की तरफ रविंदर सिंह भाटी की तरह, आप हमें हमारी सोच से मत लो, आप गांव गांव जाके निरीक्षण करो, ठीक है? वो तो हमारा काम देखेंगे। सर थैंक यू आपका धन्यवाद। अच्छा चलिए, तो ये बातचीत रही एक मुस्लिम इलाके में, यहाँ पे उम्मीदवार राम बेनीवाल और ज्यादातर रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक मिले, कैलाश चौधरी जी के समर्थन में कम लोग बोले, कैलाश चौधरी जी का कोई है क्या? कोई नहीं, कोई समर्थन नहीं है, 36 कौम में यहाँ कोई नहीं है, 36 कौम में नहीं है, कोई नहीं है यहाँ। तारा राम जी के एक समर्थक मिल गए लेकिन कैलाश चौधरी के नहीं मिले। क्या कह रहे? तारा राम जी एक नाम क्या, उनके भी समर्थक यहाँ मिल गए लेकिन कैलाश जी के कोई समर्थन यहाँ नहीं है। तो खैर बहुत बड़ी लोकसभा है, ये एक मात्र एक इलाका है, बहुत बड़ी लोकसभा है, चुनाव भी बड़ा है और लड़ाई भी दिलचस्प है। देखते रहिए ललन टॉप, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, बाकी और इलाकों से और भी जगहों पे उनकी हम सैम्पलिंग करने की कोशिश करेंगे, खास करके जब ये पता चलता है कि चुनाव जाति या कास्ट लाइन पे हो रहा है तो उस पर भी बात सुनने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए ललन टॉप, शुक्रिया।